नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं OSI मॉडल, और इसमें जो है आपको यह काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। CPCT में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। बात की जाए तो अगर MPASI की आप तैयारी कर रहे हो, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है उसमें भी ये पूछा जाता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी, और जो MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर होता है तो उसमें भी जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको, आसान सा है, आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि OSI मॉडल क्या होता है। OSI मॉडल दरअसल जो है इसका फुल फॉर्म जो है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, जिसको जो है वो ISO, बात की जाए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स के द्वारा विकसित किया गया था 1978 में। किसको? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को, यानी OSI को। इसमें जो है वो कुल 7 लेयर होती हैं, ये याद रखना है, और इन 7ों लेयर को ही हमें पढ़ना है। दरअसल इसके क्या कहाँ से काम होते हैं और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। अब इसका जो काम दरअसल जो है वो OSI मॉडल का दरअसल कम्युनिकेशन करना होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन करना होता है, और कम्युनिकेशन के लिए कम से कम मिनिमम 2 यूजर्स होना चाहिए। दो, जैसे कि अगर मैं आपको रियल एग्जांपल दूं, अगर आप अकेले बैठे हो तो क्या आप किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपके साथ कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं बैठा होगा, तब तक आप किसी से कम्युनिकेशन कर नहीं सकते। तो मिनिमम जो है वो आपको 2 व्यक्ति चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब आप एक खुद हो गए और दूसरा व्यक्ति हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 यूजर्स होना ज़रूरी है, तभी उनके मध्य जो है वो कम्युनिकेशन होना हो पाएगा। ठीक है, और यह है याद रखना है कि इसमें जो लेयर जो होती हैं वो 7 लेयर होती हैं, वो है एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन इनमें जो क्या होता है, लेयर होती हैं उनमें कम्युनिकेशन होता है, डेटा ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, किस लेयर में कौन सा होता है, तो वो हम आगे देखेंगे। और इसमें जो है वो सूचना यानी सेंडर रिसीवर का जो है वो काम होता है एक तरीके से नेटवर्क में। तो ये कम्युनिकेशन है, तो जाहिर सी बात है सेंड हो, एक कोई सेंड करेगा तो दूसरा रिसीव करेगा। ठीक है, आगे देखा जाए तो सभी लेयर अपनी अपनी अलग काम होता है इसका, और इस जिससे कि डेटा का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से जो है वो पहुंचाया जा सके। तो सबका अलग अलग काम होगा 7ों लेयरों का। ठीक है, अब इसमें जो है नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ लेयर के रूप में कार्य कैसे कार्य करते हैं, उनको हम आगे देखते हैं। अब तो देखिए, ये जो है 7 लेयर होती हैं, और 7 लेयर दरअसल होती कैसे हैं, देखिए ये लेयर जो है वो नीचे से चलती हैं, यहाँ से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले एप्लीकेशन लेयर आती हो, ठीक है, उसके बाद ये बात की जाए तो प्रेजेंटेशन लेयर आएगी, असेसन लेयर आएगी, तो पहले नीचे से शुरुआत होगी। ये काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि ऊपर से चलेगी या नीचे से चलेगी। तो सबसे पहले जो लेयर आती है वो आती है हमारी फिजिकल लेयर, दूसरी नंबर आती है डेटा लिंक लेयर, तीसरी लेयर नेटवर्क, चौथी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर, और पांचवी जो है वो सेशन, और छठवीं प्रेजेंटेशन, और सातवीं जो है वो एप्लीकेशन लेयर। तो ये क्रम याद रखना है, नीचे से आपको जो है वो ऊपर की तरफ चलना है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम सब जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम फिजिकल लेयर की बात करेंगे, ये हमारी पहली लेयर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिजिकल, देखिए सबसे पहले आप फिजिकली, फिजिकली मतलब क्या, जिन चीज़ों को आप छू सको, जैसे कि हार्डवेयर हो गए, हार्डवेयर मतलब आप माउस छू सकते हो, ठीक है, कीबोर्ड छू सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो ये फिजिकली जो आप चीज़ें छू पाओ तो वो इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे अब मैं बात करूँ तो आप पेन है, पेन से लिखते हो, तो ये क्या है, एक फिजिकल है, हार्डवेयर है एक तरीके से। तो इसके अंदर जो है वो फिजिकली चीज़ें आएंगी, यानी फिजिकल लेयर तथा यहाँ पे बात की जाए तो लेयर फिजिकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। इनमें जो है वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यानी जो करंट एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो प्रवाह करता है। अब मान लो स्पीकर है, तो स्पीकर को आप रख दोगे तो क्या वो बच जाएगा? जब तक आप किसी सिस्टम में कनेक्ट नहीं करोगे तभी तो जो है वो कनेक्शन होगा उसका, तो जिसमें वोल्टेज होगा, डेटा रेट्स होगा, ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल जाता है, यानी जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल जाते हैं। डिजिटली मतलब होता है, आप देखोगे जो हमारे 0-1 के फॉर्म में हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो 0-1 के फॉर्म में जो बाइनरी नंबर होते हैं उसमें जो है वो समझते हैं। ठीक है, तो आगे देखा जाए तो इस लेयर में नेटवर्क की टोपोलॉजी और जो लेआउट होता है नेटवर्क का वो कार्य भी इसी लेयर में करते हैं। तो टोपोलॉजी आपने पढ़ा होगा, जो कि स्टार टोपोलॉजी होती है, वर्स्ट टोपोलॉजी होती है। ठीक है, वर्स्ट टोपोलॉजी में क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्शन होते हैं इस तरीके से कंप्यूटर।
तो ये क्या है, इसी के अंतर्गत आती है। एक मतलब स्ट्रक्चर तैयार होता है, लेयर तैयार होता है नेटवर्क का, कि किस तरीके से नेटवर्क हमें जो है वो ट्रांसफर करना है एक दूसरे में। और इसमें जो है वो कम्युनिकेशन जो होता है वो वायरलेस या वायर्ड के माध्यम से होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो वायर्ड के माध्यम से होता है, और इस लेयर को विट यूनिट भी कहा जाता है। तो फिजिकल लेयर को क्या कहा जाता है, विट यूनिट भी कहा जाता है, इसे भाव आपको याद रखना है। इसके कार्य क्या होते हैं, कार्य वैसे मैं आपको बता चुका हूँ सिंपल भाषा में। अब इसमें जो है देखिए, ट्रांसमिशन मोड होते हैं बहुत सारे, ट्रांसमिशन मोड यानी नेटवर्किंग के पार्ट होते हैं। इस पर मैंने बताया, वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें क्या होता है, कम से कम दो डिवाइस होना चाहिए और उनके बीच फिजिकली कनेक्ट होना चाहिए। जिसमें जो है देखिए, सिंपल डुप्लेक्स हो गया। सिंपल डुप्लेक्स में क्या होता है कि दो कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो दो कंप्यूटर में जो है वो इधर से जो है वो ये सेंडर हो गया, और ये जो हो जाएगा वो हमारा रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल डुप्लेक्स यानी एक ही तरफ से जो है वो भेजा जा रहा है। हाफ डुप्लेक्स में जो है वो एक तरफ से भेजा जाएगा एक ही टाइम पे, और दूसरी तरफ से दूसरे टाइम पे भेजा जाएगा, मतलब साथ में नहीं भेज सकते। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, इधर से भी आप एक टाइम में भेज सकते हो, उधर से भी आप एक टाइम में भेज सकते हो। जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ, जैसे आप मोबाइल पे बात करते हो तो क्या होता है, वो फुल डुप्लेक्स होता है। आप इधर से भी कम्युनिकेशन हाल कर देते हो, उधर से भी कर देते हो, मतलब आप दोनों की आवाज़ जो है वो एक तरफ से दूसरे तरफ से एक ही साथ जो है वो भेजी जा सकती है, तो वो फुल डुप्लेक्स होता है। तो ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ट्रांसमिशन मोड हो गया। तो ये सब इसके कार्य होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल लेयर का। अगले बढ़ते हैं डेटा लिंक लेयर। दूसरी लेयर जो आती है वो हमारी है डेटा लिंक लेयर। और इसमें जो है वो डेटा लिंक लेयर नीचे से दूसरे नंबर की लेयर है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। इसमें दो सब लेयर होती हैं, दो सब लेयर, जिसमें जो है वो मैक यानी मीडियम एक्सेस कंट्रोल आती है, और LLC यानी लॉजिक लिंक कंट्रोल आती है। ये दो जो है वो इसमें सब लेयर होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो अब ये दो लेयर डेटा लिंक लेयर है, तो इसमें भी जो है वो दो सब लेयर होंगी, एक हो जाएगा हमारा मैक और एक हो जाएगा LLC, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें जो डेटा जो है वो पैकेट के फॉर्म में भेजा जाता है, पैकेट के फॉर्म में भेजा जाता है, और जिसको जो है वो डिकोड और इनकोड किया जाता है। और तथा यह लेयर भी एक इंश्योर होती है कि डेटा के पैकेट्स में ट्री होती है, मतलब अगर देखिए कोई डेटा है पैकेट के फॉर्म में भेजा जा रहा है, तो उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, तो ये भी डिफाइन करती है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो इसे जो है, इसे हम फ्रेम यूनिट भी कहते हैं। तो ये इसको याद रखना है, इसको फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। और इस लेयर में डेटा ट्रांसमिशन के लिए दो प्रोटोकॉल होते हैं, जिसमें जो है वो HDLC यानी हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल होती है, और दूसरी होती है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल। तो ये आपने नाम सुना ही होगा, पॉइंट टू कंट्रोल होता है। तो ये जो है वो इसमें दो प्रोटोकॉल होते हैं। आगे बात की जाए तो इसका कार में वही बता चुका हूँ कि जो है फिजिकल रो बिट स्ट्रीम को पैकेट के ट्रांसलेट किया जाता है, और पैकेट के फॉर्म में जो है वो हम इसको डेटा भेजते हैं, ठीक है, जिसे हम जो है वो फ्रेम कहते हैं। तो इसीलिए जो है इसको फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा आपको नॉइस आ रहा होगा, क्योंकि अभी गणेश जी का जो है वो टाइम है, तो सबके यहाँ लाउड स्पीकर बजते हैं, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, आप ईयरफोन लगा के सुनोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात की जाए तो ये लेयर जो है फ्रेम से हेडर और ट्रेलर को ऐड करती है, ठीक है। तो ये सब ऐड करती हैं, और वही काम है, सेंडर रिसीवर दोनों तरफ से एक नया डेटा रेट भेजती है, और मेंटेन किया जाती है इसके द्वारा, जिससे कि कोई भी डेटा करप्ट ना हो, ठीक है। तो ये सब जो है इसका डेटा लिंक लेयर का काम होता है। आगे बात की जाए तो नेटवर्क लेयर। अब इसमें देखिए, नेटवर्क का आ रहा है, तो इसमें जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें लगाई जाती हैं, जैसे कि आप देखो कि स्विचिंग हो गया, राउटिंग हो गया, ठीक है। तो ये तकनीकी जो है इसमें प्रयोग की जाती है, और लॉजिकल एड्रेस हो गए, आईपी एड्रेस हो गए, तो ये सब उपलब्ध होते हैं इसमें। आईपी एड्रेस आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे नेटवर्क लेयर के अंतर्गत आते हैं। और यह नेटवर्क लेयर जो डेटा होता है वह पैकेट के रूप में जाता है, और पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क क्रिएट करता है, और जहाँ जिस डाटा को पहुँचाना होता है वो जो है वो इसके माध्यम से पहुँचा जाता है, ठीक है। आगे देखा जाए तो इसके कार्य क्या होते हैं, इंटर नेटवर्किंग की जिम्मेदारी होती है इसके अंतर्गत, और यह जो है वो डिवाइस से लॉजिक कनेक्शन उपलब्ध कराती है, और यह फ्रेम से हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करती है, और एड्रेस का इस्तेमाल इंटरनेट में डिवाइस की आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो एक तरीके से अब आपके पास आपने इंटरनेट लगवाया होगा, ठीक है,
तो आपने बहुत सारे मॉडेम का यूज करते हैं, कुछ लोग वाईफाई वैसे ही यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है नेटवर्क के माध्यम से ही आपको जो है वो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपके पास पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंतर्गत ही आती हैं, नेटवर्क लेयर के अंतर्गत। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये चौथी लेयर होती है, और इस लेयर में डेटा को नेटवर्क के मध्य जो है वो सही तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, सही तरीके से जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। और आगे देखा जाए तो इसमें जो है वो दो कंप्यूटरों के मध्य जो है वो कम्युनिकेशन उपलब्ध कराना भी होता है, और इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके हम कार्य समझ लेते हैं। तो वो ये है, सिंपल सा है कि आप देखिए, पहले जो है वो आपने देखा था कि जो हमारी फिजिकल लेयर थी तो उसमें फिजिकली माध्यम है, जैसे हमने कोई कंप्यूटर बनाया। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ कि हम जब कंप्यूटर असेंबल करते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसको जो हार्डवेयर होते हैं उनके पार्ट लेके आते हैं, फिर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसको देखिए कनेक्ट हो गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी हम चालू देते हैं, उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर हो गए ये सब चीज़ें अपलोड करते हैं, तो एक प्रोसेस बाई प्रोसेस चलती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या रहता है, यहाँ पर इसके मध्य जो है वो नेटवर्क ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जब लेयर ऊपरी लेयर से मैसेज को रिसीव करती है तो यह मैसेज को बहुत सारे सेगमेंट में विभाजित कर देती है, इसीलिए जो है इसको सेगमेंट यूनिट कहते हैं। और प्रत्येक सेगमेंट का एक सिक्वेंस नंबर होता है, जिससे प्रत्येक सेगमेंट को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। अब आपकी कोई इमेज है और आपके वीडियो है, तो क्या है वो अलग अलग है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर का आपको आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये इमेज के फॉर्म में है और एक वीडियो के फॉर्म में है। तो ये क्या करती है, ये सेगमेंट के फॉर्म में, और सबका सिक्वेंस नंबर जो रहता है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, तो दो प्रकार के सर्वर प्रदान करती है, इसमें जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और एक कनेक्शन लेस होता है, और यह फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों प्रकार के कार्य करती है। आगे सेशन लेयर, ये हमारी पांचवी लेयर होती है। ठीक है, और यह बहुत सारे कंप्यूटरों के मध्य कनेक्शन को नियंत्रण करती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो टोपोलॉजी होती है तो उसमें मान लो बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, तो ये सब जो है वो इसी के माध्यम से जो है वो आपको बहुत सारे के मध्य जो है वो कनेक्शन को नियंत्रण करेगी, और सेशन लेयर दो डिवाइसों के मध्य कम्युनिकेशन के लिए सेशन उपलब्ध कराएगी। ठीक है, अर्थात जब भी आप कोई यूजर की वेबसाइट खोलते हो तो यूजर के कंप्यूटर सिस्टम या वेबसाइट के सर्वर के मध्य सेशन का निर्माण होता है। आपने कोई वेबसाइट खोली या कुछ भी खोला, जैसे कि हम बात करें YouTube खोला आपने, तो क्या होगा, वो जैसे ही यूजर जो है वो उसको डालेगा तो वो वेबसाइट के सर्वर पर जाएगा और वो बताएगा कि ये चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए, तो वो जो है वो सेशन का निर्माण करेगी और वहाँ पर आपको जो है वो पहुँचा देगी। तो आसान शब्दों में अगर हम कहें तो मुख्य कार्य ये देखने है तो किस प्रकार के कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, इसका मेंटेन करना है और टर्मिनेट करना है। ठीक है, तो ये जो है वो सेशन लेयर का कार्य होता है। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो डायलॉग कंट्रोल की भांति कार्य करता है। डायलॉग कंट्रोल देखा होगा आपने, जब आप किसी पर कनेक्ट करते हो, मान लो किसी वेबसाइट है तो उस पर आपको जैसे आपने मान लो CPCT की साइट है। ठीक है, तो जैसे ही आप उस पर जो है वो क्लिक करोगे तो आपको एक दूसरी साइट पे जाना है, दूसरे पेज पे जाना है, तो लिंक पे क्लिक करते हो तो वहाँ पर जो है वो पॉपअप विंडो ओपन होती है। ठीक है, तो ये क्या है, डायलॉग कंट्रोल की भांति कार्य करती है, उसको कंट्रोल करना रहता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर जो है वो ओपन होना है। तो ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं, और ये दो प्रोसेस के मध्य डायलॉग को क्रिएट करती है, और ये सिंक्रोनाइजेशन के कार्य को भी पूरा करती है, और अर्थात जब भी ट्रांसमिशन में कोई एरर आ जाती है तो ट्रांसमिशन को दोबारा किया जाता है। तो आपने देखा होगा कई कई बार जो है वो साइड नहीं खुलती है, तो आप फिर से जो है वो उसे दोबारा जो है वो करते हो क्रिया को। ठीक है, तो वो फिर से जो है वो दोबारा की जाती है, तो वो सिंक्रोनाइज करके फिर से जो है वो वहीं पर जो है वो सही तरीके से पहुंचा देती है। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क में इशू होती है तो आपको बता दी जाती है कि आपका नेटवर्क जो है वो ख़त्म हो चुका है या नेटवर्क कनेक्ट नहीं है, तो ये सब जो है वो ट्रांसमिशन फिर दोबारा जो है वो करवाई जाती है इसी के माध्यम से। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर की बात की जाए तो ये हमारी छठवीं लेयर है, और इसमें हम प्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को।
प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, आपको व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे आप जब भी आप किसी को दूसरे को मैसेज भेजते हो तो क्या होता है, आपका जो मैसेज है वो इंक्रिप्शन मोड में जाता है, आपको मतलब दूसरा कोई उसे पढ़ नहीं सकता सिवाय जिसे आप भेजा है, जिसे आपने भेजा है, यानी सेंडर आप हो गए और रिसीवर कोई दूसरा है, तो जो रिसीवर के पास जाएगा वो ही उसको पढ़ पाएगा, बीच में कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो इसमें क्या होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कार्य किया जाता है, और इसे जो है वो डेटा कंप्रेशन कहा जाता है। तो डेटा को कंप्रेस करके नहीं, एक ऐसे कोडिंग की जाती है जिसे आप दूसरा कोई समझ ना पाए, और जो है वो जिसे आप पहुंचाना चाहते हो तो वो ही जो है वो इसे समझ पाएगा। ठीक है, तो इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होती है। कार्य देखा जाए तो आपसे, देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित रहती है, तो याद रखना है प्रेजेंटेशन लेयर। कार्य देखा जाए तो यह इंक्रिप्शन होता है और प्राइवेसी का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड पार्टी जो रहेगी वो आपको मैसेज या कोई भी चीज़ आप भेज रहे हो, जैसे कि आप पासवर्ड डालते हो जीमेल आईडी पे, तो कोई तीसरा इसको नोटिस नहीं कर सकता है, तो ये प्राइवेसी का ध्यान रखती है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, और इंक्रिप्शन क्या होता है, तो वही मैं जो आप बता चुका हूँ कि डेटा को जो है वो कंप्रेस किया जाता है, और बहुत तो ज़रूरी होता है क्योंकि यह डेटा को कंप्रेस करके उसके साइज को कम कर देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, और ये हमारी हो जाएगी सातवीं लेयर जिसे हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन लेयर में जो ये अंतर्गत आती है, जैसे कि HTTP हो गया, FTP हो गया, सिंपल मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आती हैं। इनको आप याद रखना है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTTP किस लेयर के अंतर्गत आती है, तो याद रखना है आपको एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आती है। तो ये सब चीज़ें हैं आप याद रखना है, ये प्रोटोकॉल होती हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य होता है जो हमारी वास्तविक एप्लीकेशन होती है और अन्य लेयर होती है उनके मध्य जो है वो इंटरफेस कराया जाता है। तो यह लेयर एक नियंत्रण करती है और कोई भी एप्लीकेशन किसी प्रकार नेटवर्क को एक्सेस कराती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली तो उसको जो है वो एक्सेस कराने में आपको हेल्प करेगी एप्लीकेशन लेयर। इसका काम क्या है, यह यूजर रिमोट कंप्यूटर से फाइल्स को एक्सेस करना कर सकता है और फाइल्स को रिट्रीव कर सकता है। ठीक है, जैसे कि यह ईमेल को फॉरवर्ड करता है और स्टोर करने की सुविधा भी देता है, और यह हम डेटाबेस से डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंतर्गत आती हैं। ओके, तो ये थी सात लेयर। देखिए अब ये OSI मॉडल हो गया, एक होता है TCP/IP मॉडल। तो इसमें आप देखोगे इसमें चार लेयर होती हैं, जैसे कि नेटवर्क इंटरफेस लेयर होगी, नेटवर्क होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, एप्लीकेशन लेयर होगी, बाकी लेयर होती है होती नहीं है। तो इसमें आप याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि चार लेयर जो है वो कितनी लेयर होती है TCP/IP मॉडल में, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें चार होती हैं और इसमें जो है वो सात होती हैं, तो इतना आप याद रखना। बाकी जो काम जो रहते हैं इनके सेम ही रहते हैं। जो मैंने आपको OSI मॉडल देखी, सबसे पहले OSI मॉडल इसीलिए मैंने आपको बताया क्योंकि बाकी जो TCP/IP मॉडल रहता है उसमें सेम ही प्रोसेस रहती है, और बाकी ये वाली जो साइड होती है ये हट जाती है, नेटवर्क बचती है, ट्रांसफर बचती है, और जो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर होती है ये नेटवर्क इंटरफेसन के अंतर्गत आ जाती है। तो ये अब आपके लिए आसान होगा, बाकी सेम चीज़ें इसी में होती हैं। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए आप कोई भी ट्रैक अपना हाथ से बना सकते हो। देखिए आपको ये इस तरीके से याद रखना है, नीचे से याद रखना है, तो PDN, तो PDN और TSPA, तो आप जो भी आपको लगे, पंडित पंडित तो नहीं, PD कर लो आप, PD एक पेन ड्राइव होगी, PD ने TSPA, तो जैसे भी आपको ट्रैक समझ में आए उस तरीके से आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये लेयर आपसे पूछी जा सकती है, क्रम वाइज आपको दे दिया जाए, और इसमें जो है वो आपको ये चीज़ें याद ही हैं। ठीक है, तो ये था OSI मॉडल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।